अभी खिला नहीं रही है बट कट गए आते हैं यहाँ पर। उसने गलत बोला, 1000 सब्सक्राइबर होंगे जब तक देख रहे हो कितनी कुर्ती ना आ रही है। Hi guys, welcome back to another vlog. नहा दो क्योंकि I'm ready. अब इसको हड्डी चाहिए। रूनो भाई साहब का मैं खाना वाना पैक कर रही थी। अरे दो हड्डी अभी रखी है शाम के लिए भी। ये देखो इसको, रुको दिखाती इसको। मैंने जब से हड्डी दिखा, ओए हड्डी नहीं लेनी अभी ब्रोनी, 7 भी नहीं बजे सुबह के। दे दूं मम्मा इसको। ये देखो कितना हड्डी के लिए कितना एक्साइटेड है ब्रोनी। अले अले अले, अभी नहीं देना यार। अच्छा ठीक है ले। अच्छा धीरे धीरे सेट 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 ये ले। अच्छा ठीक है ले ले, बस गया हड्डी खाने जाएगा। तो यस गाइस ऑलरेडी ना दो के महाय हेलो हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हर्ष बाकी है बस, पापा भी अभी बंदर से आ गया। तो मैं प्रूनो का खाना वाना पैक कर रही थी क्योंकि मुझे लगा भूल जाऊंगी मैं खाने भी रोस्ट करने हैं, वो रखने हैं, पेडिग्री रख ली है, हड्डी रख ली, पनीर रखना है, पानी का बोल रख लिया, हार्नेस लीश तो ये वैसे ही फैला देता है इधर उधर फैली। ये है कि अभी हम खाटू श्याम जी के लिए निकलना था 6 बजे, अब फिर 7 बजने वाले। एज यूजल हम लेट ही चलते हैं कभी कभार। ये भी है कि मैं बहुत लोगों ने बोला है कि ब्रूनो को नई शायद एंट्री देंगे वो वहाँ पर, बट लेट्स सी। फिर हमने सोचा था कि 2 बंदे कर लेंगे पहले, फिर 2 बंदे बाद में करेंगे, देखते हैं। आज ब्रूनो का फर्स्ट ऐसे लॉन्ग 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 ड्राइव होने वाली है। मैं भी बहुत महीनों बाद जा रही हूँ खाटू श्याम जी, और वो मेरे ना मेरी ना रही थी तो फ्लैश बैक्स आ रहे थे जब मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग करा था खाटू श्याम जी में। श्याम बाबा की वजह से मैंने स्टार्ट करा है, बोला मुझे नहीं पता मैं स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली उनकी कृपा भी थी। आई एम सो हैप्पी। थोड़ा सा ऐसे टीयरी मूवमेंट हो रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट व्लॉग खाटू श्याम जी का ही बनाया था। बट यस लेट्स गो, जल्दी से रेडी हो जाते सब लोग। एंड ये जो हुआ हुआ है हाल, ये ब्रूनो भाई साहब का है। मैं लेटी हुई थी तो एकदम से कुछ ले रहा था और उसका हाथ ऐसे आया, और फिर बट कोई भी दर्द नहीं हो रहा तो चलेगा। और मेरा ये जुड़े वाला सीन भी प्लीज इग्नोर करना। गाइस जाने से पहले ऑब्वियसली आज भाई दूज है, हैप्पी भाई दूज। तो मम्मा ने बोला जल्दी से फटाफट टीका कर दूँ, तो मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ हर्ष के लिए एज ए गुड सिस्टर। कह रहा है मैंने इसको कहा पैसे रेडी रखे, तो पैसे नहीं देने होते इसमें। किसने बोला पैसे नहीं देने होते? के मम्मी ने नहीं बोला, मम्मी से मिल रहा है जबकि मम्मी ऊपर ही गई थी। मम्मा यार एक बार बताओ, भाई दूज पे पैसे नहीं देते? देते ना, देखा आज सुन ले। कहता मम्मी ने मना करा, पैसे नहीं देते इस पे। बहाने आई टेल यू बहाने। कह रहा है मम्मी सुना हमने क्या कह रहा है? कह रहा है मम्मी ने कहा तो मम्मी से ही ले ले। मैं तो लूंगी ही। तू कुछ कर, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये हक बनता है बहनों का और हक बनता है भाइयों का देने का। गाइस ऑलरेडी जल्दी जल्दी फटाफट इसको पैसे ले क्या जल्दी। पापा देना 20 रुपए। अच्छा मम्मी मेरे को ब्रूनो को भी लगाना चाहिए क्या? आप लगा इसको टीका। चलो आप। हाँ हाँ रोना भी आ गया है, वो गया टेबल के नीचे भी घुस गया। देख रहा है इतनी जल्दी कभी किया भाई दूज वैसे? नहीं करो, तू 10 बजे तक भी नहीं उठता, बस ज्यादा छोटा सा ही लगाया। अच्छा ठीक है, बस कोई नहीं। पैसे आते नहीं होता, खिला नहीं रही है। छोटा सा ही लगाना इसको। हाँ। बाल ऊपर कर लो हर्ष, इसके बाल ऊपर करो। कुछ खाने का नहीं, रुक तो जा, कुछ खाने का नहीं है। ब्रूने रुक जा, लंबा कर देना थोड़ा। रुक जाने लगा दे, छोटा सा लगा। इसको मैं खाना खिला दे, चलो जल्दी करो बस। चलो क्या की भी आती। रुना देख रहा है क्या? देख रहा हूँ।
इसका मखाना खिलाओ, इसका मखाना लाती रुक। 101 रुपया दे देना इसको भी, बाद में करती रहेगी जीरा भाजी। पापा ये 100 रुपए थोड़ी, वो दे दूंगा। हाँ अभी अभी की तो कर लो, खाली नहीं होते। ब्रूनो और इसका अलग वाले, ब्रूनो का भी हाथ खेले मैं दोनों की तरफ से खाली में उसको। चलो ठीक है, तो अब दिख रहा है ब्रूनो जी का, निकल गए। किसी में एक्साइटमेंट नहीं है तो राम बाबा की जय। साइन सीन करते चल रहा है महाराज। नहीं है पार कर लिया मानसा, ये इधर उधर भाग रहा है। इसको एक तो हर्ष के पास जाना होता है, रुको, एक तो इसको हर्ष के पास जाना होता है। इसको आज हम हर्ष के पास अलाउड नहीं कर रहे गाड़ी चलाने के लिए, इसको दे दे रहे। तो ये अब मेरे को हाई लुक दे रहा है, साइड लुक दे रहा है, हाई लुक दे रहा है। तो अब मेरे को भूख लगना स्टार्ट करा, मेरा मन कर रहा है ऐसे गर्मा गर्म राजमा चावल होते मेरे सामने, प्याज होती नहीं, वो बाहर वाले होते ना मम्मी जो, प्याज होती है, सैलेड होती है। अब मैं वेट कर रही हूँ खाने खाने का, भूख लग रही है। तो थोड़ा थोड़ा खा लिया बीच में, मम्मी ने लड्डू दे दिया अब चने का ये वो, अब ना और भूख बढ़ती रहती है। जब तक नहीं खा रहे होते हम नहीं खाते, और जब खाने लग जाते तो एक बार भूख लगती है तो फिर भूख लगती है। बस स्टॉप लिया है, तो इसलिए वो चाह रहा है करना, फिर वो आवाज आती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पहले अब यहाँ ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ खुले खुले वो है, क्या बोलते हैं वातावरण, खुली जगह है तो यहाँ पर ज्यादा वो ठंड लग रही है। तो आई एम हैप्पी, मैं हुडी पहनाई हूँ। ये हुडी मेरी हर दिन चलेगी, आपको ये हुडी मेरी हर दिन दिखेगी, तो प्लीज इग्नोर दैट। खाना खाएंगे आज हम जल्दी पहुंच गए। हर्ष दौड़ाता लाया है, इतना खुश हो तेरे, देख टीका, देख टीका ही नहीं रहा है। आ जा बनी इधर, अरे घुमा लेना, चल ना आ जा चल। आए तो आए ना, इसको ये नई चीज दिख रही है। आजा आजा आजा, ये पकड़ ले तू फिर इसको, भागना है तो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक, हटाने दे गाड़ी आ रही है। भाई साहब को सुसू ब्रेक लाने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं जगह, इसको भी अलग दो, ये गीली नहीं है। हाँ ये भी गीली है, यही उतार दे इसको फिर, इसका लीश वगैरह उतार दे इसके, अभी यूज टू नहीं है। क्या पहना दूं? रुनी रुनी भाई साहब को यहाँ बिठाया हुआ है, सबको देख रहा है और इसको घूमना है, बट इसको घूमने नहीं दे रहे हम। लीकू करके दही चटोरे खा रहे, दही चटोरे, दही चटोरे, दही चटोरे। अरे जब से डालू ना बस होने वाला है इसका, बस होने वाला है। हमने पराठे मंगाए गए, पराठे पराठे पराठा नहीं है, जॉइंट पराठा है। तो मम्मी के दो पराठे मिला के एक पराठा। सब बाहर खेल रहा था तो मैं भी अपनी चाय बाहर लेके आ गई, मम्मा पापा अंदर पी रहे। ये इसका यहाँ चल रहा है गाड़ी में, ये अभी भी डरता है इसलिए अभी खुल के खेल रहा है मजे से। तो इसको इसका टाइम थोड़ा सा फ्रीली स्पेंड करने दो, हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ। चेयर्स गाइस,
पहुंच गए बट आते यहाँ पर ओवर हो गया है हमारा कि आज श्याम बाबा का तिलक है एंड 12:30 हो गया हम पहुंचे हैं और 4 बजे मंदिर खुलेगा और 3 घंटे क्या करेंगे मम्मी वही तो आधा रास्ता हो गया अपना उल्टा घर का देखना और करेंगे भी क्या है यहाँ पर ये बताओ मेन तो मेन दिक्कत ये है होटल भी नहीं है कि कल निकल ले अरे हाँ भाई कल नहीं छोड़ सकते कल तो वो है मेरी 5 क्रेडिट चाहिए मेरे को फेल हो जाऊंगा और मैं अब क्या करेंगे सोचेंगे इसने गलत बोला 1000 सब्सक्राइबर होंगे जब तक देख रहे हो कितनी कठिनाई आ रही है मैंने अपने लिए बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब बुलाना क्यों तू अपने घर बैठती बेवकूफ ये अच्छा ये डिसाइड हुआ है अभी तो रुके हैं यहाँ पर पार्किंग में मम्मा पापा एक बार मार्केट गया दोनों भाई साहब कचरा सूंघ रहा है तो यस दैट्स द प्लान अभी देखते हैं पता नहीं हमने ना इस बार चेक नहीं करा मम्मा वैसे देख लेती थी ग्रहण वैरण के टाइम पे बट इस बार चेक नहीं करा तो इस बार भी है तिलक तो हमें नहीं पता था भाई दूज पे भी बंद होता है बट यस वो बता रहे कल रात से ही बंद है एंड 4 बजे के बाद भी हम रस्ते में आए तो बहुत भीड़ है तो नंबर क्या पता कब आए तो अभी छोड़ तो मम्मी पापा पे रखा है हमारी तो कौन सी चलनी होती है तो पापा तो क्या है भीड़ से भागते हैं वैसे भी एंड पापा ऑलरेडी ऐसे बोलने लगे चलो 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 बट मम्मा रोक लेती है तो देखते हैं गाइस मैंने सोचा था कि हम ब्रूनो को लेके आएंगे एंड ये फर्स्ट पेट बनेगा श्याम बाबा के दर्शन करने से करने YouTube का सर तो कर कोई गया है वही वही दिमाग में आया फिर हमने देखा कि हम इसको लेके आए फिर हमने देखा वहाँ एक पोमेरियन भी लेके आए हुए हैं बट फिर हर्ष ने ये बोला अब पागल है मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था कि ब्रूनो इतना अच्छा आशीर्वाद लेगा पहला पेट बनेगा बट फिर वो लेके आया बट हर्ष ने कहा कि क्या पता वो ना लेके जाए वहाँ पर यहीं पर ही रखे ये भी पॉइंट हो सकता है जरूरी थोड़ी है वो उसको दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं हम तो भाई पक्का दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे थे पापा ने भी सोच लिया पापा तो कहते हैं उसको ढक के ले जाएंगे छोटा सा वैसे भी नहीं दिखेगा माता पिता तो खा के मजे से आ रहे कहता मम्मी को मिल गया कोई 5 बजे में चले मम्मी अथे आओ मैं चला लूंगा और थे नहीं अथे टाइम पास मम्मी अरे ना यार फिर पीछे बैठ के फिर हम चल रहे अब गाइस अपडेट ये 5 बजे ठीक है आप बैठो 5 बजे खोलेगा मंदिर 4 बजे नहीं अपना मन से यहीं जा रहे अरे यार श्याम बाबा नहीं चाहते वो मेरी मीटिंग तब रखेंगे तो 1K मेरे गाइस सब्सक्राइब करो दो दर्शन नहीं हो रहे मेरे यहाँ पर मैं बता रही हूँ गाइस निकल रहे हैं क्या कह रहे हो कैमल राइड भी हो रही है इधर हाँ तो कैमल राइड होती है देखो बहुत भीड़ है यहाँ पर थोड़ी सो जा कचौड़ी खाने जा रहे हैं हर्ष ने दावा करा है कि बहुत अच्छी है हाँ नहीं हुई तो मम्मी कह रही है फिर पीटोगे पकड़ के रास्ता भी बहुत अच्छा नया लेके आया था उसमें भी चने का भाई चुप रहे हैं पापा चिक चिक कर रहे हैं अब मम्मी अगर अब तूने रास्ता बढ़वाया है बाजार में कितने बड़े थे फिर पूरी सिटी के अंदर से लेके आया है ये हाईवे छोड़ के थोड़ी इसने बोला क्योंकि कचौड़ी खा के ना इसने इतना बोला मम्मी ने रास्ता बदलवा दिया और अब भाई कचौड़ी ओ भाई ओए तू ही लेके आएगा तूने बोला है तो तू ही लेके आएगा क्या बोलते हैं कचौड़ी कचौड़ी बोलते हैं कचौड़ी को यहाँ देख रहे हैं उतरते थे ट्रेन से खाड़ी राम जी के लिए तुझे भी लेके आए थे एक बार तो मुझे भी याद है लेके टाइम छोटी थी तो जब जयपुर लेके गए थे उड़ गया 7 बजे आया करती ट्रेन बैठे करते ब्रूनिया मैं तो वेट कर रहे हैं यहाँ पर मम्मा वगैरह देखने गई ये है कचौड़ी वाला पता नहीं लेट्स सी मैंने तो मम्मी को बोला पैटी वैटी कुछ मिल जाए तो हम ले आएंगी मम्मी तो वो खा लेंगे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है ठंडा ठंडा कुछ पीना है क्योंकि यहाँ पर गर्मी है गुड़गांव से निकली थी तो मैं हुडी वगैरह लेके निकली थी बट यहाँ गर्मी लग रही है तो यस हाँ मैंने मम्मी आ गई मैंने मम्मी आ गई अरे वाह नाइस नाइस बस यही लाए खाने के लिए दो ब्रेड पकौड़े मेरा एक ब्रेड चिप्स नहीं थी चिप्स नहीं थी भाई क्या
इसको खिला दिया थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा भी गया, कचौड़ी ऑब्वियसली माय फेवरेट, ए बी भी है, जलेबी भी है। गाइस मैंने अपनी सीट कॉम्प्रोमाइज कर दी, मेरे पास पता कितनी जगह, देखो यहाँ ब्लू सो रहा है, मैं जब तक बैठी अभी तो मैं नीचे में बैठ गई थी, मम्मी कहती तू सोचो सोचो रे, कौन तो बैठ जाएगी, कौन है ना, अभी मैं नीचे भी बैठी थी, कौन कहता थार में जगह नहीं है, मैं मेरी जैसे बैठ गई बीच में, बस वो एक पैर अटक गया था मेरा तो यहाँ आगे तो मैच देख रहे हैं। मैं अपने आप को एडजस्ट करी ताकि ब्रूनो एडजस्ट हो जाए और ये सो जाए, भी पहली रोड ट्रिप हो गई, धगा धक आया गाड़ी में सीधा, छोटा ना ज्यादा ही रोड ट्रिप होगी, बहुत ही बड़ी रोड ट्रिप करा दी गई। अब मैं सोच रही मैं बीच में बैठूं और फिर मैं फंस जाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर एक तो पीछे जाम लगा है तो सब मेरे को देखी क्या कर गई, कहां से प्रकट हुई, नहीं भाई नहीं होगा, नीचे में बैठी थी तो ठीक था, कौन कहता थार में जगह नहीं है, अभी भी मेरा वही पैर अटका हुआ है, अभी कितना फैट है। अब हमारा प्लान है कि सीधा घर जाएंगे, अब हम खाने वाने के लिए रुकेंगे क्योंकि किसी को भूख नहीं है भाई, एक बार उठ ही जाती हूँ पकड़ने की, मम्मी भी कितनी शानी है दिखाने के लिए, फेस दिखाने के लिए मेरे को, ओ तू फैल ले, तू जगह ले ले साथ, कितनी मचक्कत लग रही है देख लो तो मेरा पैर मुड़ा हुआ है नीचे, क्या चेंज इन प्लान, चाय कॉफी पी रहे हैं यहाँ रुक के, अरे पहले सीधा जा रहे थे ना घर, बस ऐसे यहाँ रुक गया, बूढ़े भाई सब उठ गए एकदम से, ये मम्मी मतलब मी ट्राइंग कि सेम मम्मी बोल 10 मिनट से, बस यस लेट्स गो, ये ले एक शॉप में घुस गए हैं, लेट्स सी, देखो मेरे को तो बैग्स अच्छे लगे, मैं बैग्स के लिए आई हूँ गाइस, मैं तो मेन बैग्स के लिए आई हूँ, बहुत सुंदर सुंदर से बैग्स हैं, बट ये मेरे यूज़ का बिल्कुल भी नहीं है मेरे को इंटर्नशिप के हिसाब का देखना है, तो फंकी बैग्स हटा के बड़े वाले बैग्स पे आते हैं गाइस, ये छोटा वाला ब्रूनो के लिए ले लूँ, मेरे बैग्स नहीं अच्छे, बड़ा साइज नहीं है रंग का, देखो बस हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाएगा ये डोरेमोन वाला, चीज चीज चीज, मम्मा लड्डू गोपाल का क्या है बेड, मैं कह रही बैग, वो देखो वहाँ पागल हुआ हुआ है क्योंकि मैच चल रहा है वहाँ का सेमीफाइनल, पापा और उसका तो वही चल रहा है, ब्रूनो भाई साहब यहाँ दिमाग खा रहा है, गाइस इतनी भूख लगी हुई है ना घर आके, अब बस चेंज वेंज करके लेटे हैं, दाल मखनी पूरा दबाते हैं, नान वगैरह तो वो सब खाएंगे, बहुत पेट भरूंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है, एक पूरे दिन एक पराठे पे सरवाइव करा है, लड्डू गोपाल के लिए तेरे लिए नहीं ब्रूनो, अरे क्यूट, आज हम वो तो नहीं कर पाए, आप चले ही नहीं मार्केट में, ये लड्डू गोपाल के इतने बड़े कपड़े, वो मंदिर में है ना लड्डू, अच्छा मंदिर वाले लड्डू गोपाल, लली अभी छोटे आए नहीं थे नए ड्रेस में, और इसको देखो लग गया चिंदी चोर, ब्लैंकेट ये हम अपने छोटे लड्डू गोपाल के लिए, अरे क्यूट लग रहे है ये तो बड़े, और ये तो उनकी मंदिर वाले लड्डू गोपाल जी, नाइस नाइस, हमारे घर वाले थोड़े इम्पेशेंट है, ये देखो जूम में देखो 15 प्रो मैक्स का फायदा क्या होगा, देख रहे हो मम्मी, एक जगह अपना हाथ स्टिल रखो बस यही, ये देखो वाओ सुंदर, मैं बिल्कुल ऐसे क्लोजअप में ले रही हूँ, वाओ
मस्त लग रही है, सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ये मम्मी ने लिया है, हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हम गए नहीं है, हमें दुखद खबरी मिल गई है 5 बजे तक खुलेगा तो मैं और अर्श तो वहीं बैठ गए। मस्त खाना वाना खा के अब रात हो गई गाइस, सुपर टायर्ड बोल रही थी टायर्ड। अब सब लोग साथ जा चुके सोने, मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह मेरे को उठ के व्लॉग जल्दी एडिट करने। सो मैं आपसे कल मिलती हूँ, दैट्स इट फॉर द व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि दूसरे व्लॉग्स देखो, मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।